वो इंडिया ने पानी छोड़ दिया या कहीं और से या नेचुरल डिजास्टर हो गया, दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। इंडिया ने पानी छोड़ना तो इन्फॉर्म करना चाहिए, इंतजाम करना चाहिए गवर्नमेंट को, हमारी फौज को, हमारे अदारों को। पॉलिटिशियंस कहते हैं ना ये नेचुरल डिजास्टर है, अजाब आया हुआ। हमारा ये है कि हमारा कालाबाग डैम बनना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए पाकिस्तान की पॉलिटिशियन का सारा ये कसूर है। Assalamualaikum, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, आई मैं विश्नाज विद पब्लिक रिएक्शन शो। और आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान में आने वाले सैलाब के ऊपर। जी हाँ, पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बुरी स्वेयर कंडीशन चल रही है। अदर दिन पंजाब पूरा पाकिस्तान डूब चुका है, ना सिर्फ माली बल्कि जानी नुकसान भी बेहद हो रहा है। बड़े बड़े जखीरे जो थे वो डूब चुके हैं, बड़े बड़े जंगल जो हैं वो सैलाब की जद में आ गए। और दूसरी जानब इंडिया ने पानी छोड़ दिया, जो कि बहुत बड़ी जो है प्रॉब्लम इस वक्त साबित हो रही है पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तानियों से जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं, क्या वो इस सैलाब के ज़िम्मेदार इंडिया को समझते हैं, या कुछ हद तक अपने और अपनी गवर्नमेंट के ऊपर भी इल्ज़ाम लाना चाहते हैं या इल्ज़ाम दे रहे हैं कि उनकी भी इसमें कोई ना कोई रोल प्ले कर सकते थे, वो उन्होंने नहीं किया, और उनकी अपनी कितनी गलतियाँ हैं, कोताहियाँ हैं जिनकी वजह से ये अज़ाब नाजिल हुआ है। जानते हैं पाकिस्तानियों की ज़ुबानी, मेरे साथ रहिएगा। मेरी क्या राय है मैं आपको बताऊँगी वीडियो के एंड में, सुखी पहुँचें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? मेरा नाम जी ख्वाजा इनाम एहसन। मेरा नाम तैयब। तैयब शकीर। मेरा नाम उस्मान वड़ाजा। मलक मंजूर है। ज़का। इनाम साहब, इस वक्त पाकिस्तान को जो इनाम मिला हुआ है कुदरत की तरफ से वो ज़्यादा हो गया, हद से ज़्यादा। और रहमत भी जब हद से ज़्यादा हो जाए तो वो ज़हमत बन जाती है। इस वक्त पानी हमारे लिए ज़हमत बन गया है पाकिस्तान का। एक सुबह छोड़ के पूरा पाकिस्तान डूब चुका है, माल के साथ साथ जान का भी नुकसान हो गया है। क्या कहेंगे इस पर, किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो हमारे इंस्टीट्यूट्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है, और जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप होगा तब तक इस तरह की आफतें आती रहेंगी। हमें बजाय ब्लेम गेम करने के जी आपको इंडिया ने पानी छोड़ दिया या कहीं और से या नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन इज़ दैट यू हैव टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर, यू हैव टू बिल्ड द बैंड डैम्स। इफ आई विल गिव यू एग्जाम्पल फॉर कालाबाग डैम, दैट हैज़ नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम द सिंस लास्ट many years. So this is a thing which we need to think on very seriously. और इसी तरह के डैम्स और इसी तरह के प्रोजेक्ट्स वी नीड टू बिल्ड अप लाइक इन KPK, इन सिंध एंड इन बलोचिस्तान। दिस इज़ द रीज़न वाई वी कैन नॉट कंट्रोल द वाटर। एंड ये चीज़ें एक्सेसिव रेंज जब होंगी तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। इसमें आप ब्लेम गेम नहीं कर सकते, ये जो भी गवर्नमेंट आई है उसने कभी भी ये इस चीज़ को फोकस नहीं किया। आई एम नॉट advocating any government regardless of that PTI, Noon League or People's Party, whatever they are doing, I have no concern with them. But the thing is that when you will not focus on the basic necessities, then these disasters will happen. India, देखें अगर इंडिया ने पानी छोड़ना तो इन्फॉर्म करना चाहिए। इसमें हमारी गवर्नमेंट का भी आप देखें, ये भी इनको भी चाहिए कोई ऐसे इंतजाम करने चाहिए थे जिस वजह से अगर कोई उन्होंने पानी छोड़ा तो उसको कंट्रोल किया जाता। अब जैसे सूरत हाल आप देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल हुई है, या लोगों के घर डूब गए हैं, सब चीज़ें तबाह हो गई हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, सब कुछ तबाह हो गया है। आपको क्या लगता है ये जो करंट सिनेरियो सारे चल रहे हैं उसमें हम खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा रहे और हम ब्लेम गेम खेल रहे हैं कि इंडिया ने कर दिया? क्या हमें उस सब के आने से पहले कुछ भी खबर नहीं थी? क्या हमारे जो हैं इतने बड़े बड़े लोग जो रिसर्च करते हैं, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट जो बैठे हुए हैं, वो किस लिए बैठाए हुए हैं? वो तो किसी चीज़ के लिए पहले से गवर्नमेंट को या आवाम को अलर्ट नहीं कर सकते थे? जी बिल्कुल कर सकते थे और करना भी चाहिए था। फिर हम कैसे इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं? अब देखें, इंडिया का इसमें ये है कि उन्होंने एकदम पानी छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन इनको चाहिए कि आगे इंतजाम इस तरह से करने चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता भी है तो उसको कवर कर लिया जाए और उसी पानी को डैम्स वगैरह में यूज़ किया जाए। लेकिन इन्होंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये हर काफ़ी देर से ऐसा देखने में आ रहा है कि सैलाब आ जाता है, पाकिस्तान में सैलाब आ जाता है तो कोई इंतजाम नहीं किया। आपको क्या लगता है हमारी गवर्नमेंट कितना रिस्पॉन्सिबल है सबके लिए? हमारी गवर्नमेंट तो 100% रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आवर गवर्नमेंट शुड डू राइट नाउ? दैट्स व्हाट आई सेड, दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, वी नीड टू बिल्ड अ स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब तो हो गया ना, अब तो नहीं किया, अब तो हमारी खामियां हमारे सामने अजाब बन के आ रही हैं, लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? इन्हीं चीज़ों से हमें सबक सीखना है, और जो कि चल रहा है पिछले 10-20 सालों से हम देखते आ रहे हैं। इसी तरह आपने 2015 में देखा होगा, 2010 में देखा होगा, यही चीज़ें हुई हैं और किसी गवर्नमेंट ने नहीं सीखा इस चीज़ से। आगे हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि ये जो करंट गवर्नमेंट है या जो भी जो नेक्स्ट रूलिंग पार्टी है वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करे और डैम्स की तरफ आए। वो
लोग सिर्फ हर दफा की जो है ना पॉलिटिकल सिचुएशन से ये सीखते हैं कि अगली दफा वोट किस नए तरीके से अवाम को घेर के लेने हैं, वो ये नहीं सीखते कि अवाम को बचाना कैसे है। अभी भी आप देखें पूरे पाकिस्तान की अवाम उनको जो है चीजें प्रोवाइड करने में लगी हुई, लेकिन अभी तक मेरे कानों में हुकूमत की तरफ से कोई आवाज़ नहीं पड़ी कि उन लोगों के लिए ये लोग कुछ कर रहे हैं। देखिए जी, गवर्नमेंट ऑफकोर्स जो मुल्क के सिनेरियो चल रहे हैं, जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी ब्लेम गेम कर रही है और कोशिश कर रही है कि जो रूलिंग पार्टी है उसको गिराया जाए या हमें चांसेस दिए जाएं, यहाँ पे ये चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रही है। अवाम के लिए क्या हो रहा है, दे डोंट केयर अबाउट दैट। इंसानियत बह रही है तो बहती रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सब इसी गंगा में के ना हाथ धो रहे हैं। और फिर हमारी अवाम उठ के कह देती है कि इंडिया ने पानी छोड़ा, इस वजह से हम बह गए। लेकिन ये तो बहुत बड़ा एक बोगस किस्म का वो है, ब्लेम है। और आप ये कह नहीं सकते इंडिया को क्या पड़ी है, इंडिया में अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, अपनी बहुत सारी चीज़ें हैं और दे आर बिजी इन देयर ओन थिंग्स, दे हैव नथिंग टू डू विद पाकिस्तान की जी। पाकिस्तान में क्या नाम, आपने पानी फेंक देना और पाकिस्तानी अवाम को उल्लू बनाया हुआ हर एक ने। इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है सैलाब की जद में, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। दूसरी जानब इंडिया ने अब जो पानी वाला सिलसिला हमारे सामने है कि और पानी छोड़ दिया गया है, आपको क्या लगता है इस सब में कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है इंडिया पाकिस्तान की बर्बादी में? सारा कसूर ही उसी का ही है, हर दफ़ा वो पानी वहाँ से छोड़ देते हैं और ये उसके बदले पैसे ले लेते हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है इसके लिए ना वो इकदाम इन्होंने किए हुए हैं, 40 साल हो गए कोई डैम ही नहीं इन्होंने बनाया, कोई तरक्याती काम नहीं ये कर रहे हैं। आपके सामने लाहौर इतना बड़ा सिटी है और यह बिल्कुल आपके बैक साइड पे पानी खड़ा है कितना ज़्यादा। अच्छा व्यूअर्स चलते हैं बाकी लोगों की तरफ, देखते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। ये कुदरत की तरफ से, ये कुदरती मसला है, यहाँ आने वाला सैलाब तो कुदरती था, लेकिन पहले इंतजाम करना चाहिए गवर्नमेंट को, हमारी फौज को, हमारे अदारों को, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। एक वो इंतजाम नहीं हुआ, दूसरी जानिब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इस्लामाबाद बैठ के कहते हैं कि मैं इंडिया से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ, इंडिया के साथ मीटिंग करना चाहता हूँ, और उसी तरफ इंडिया पानी छोड़ देता है। सही है, क्या कहेंगे? ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये तो अपने मुल्क को पहले देखें, अपने घर को हम पहले देखें फिर दूसरी तरफ। इंडिया को कितना बड़ा जिम्मेदार ठहराते हैं आप इस सब में? काफी ज्यादा, जब पानी की हमें जरूरत होती है हमें नहीं मिलता, जब जरूरत नहीं होती ऑफर छोड़ देते हैं। सर इस वक्त वहाँ पे पानी इतना ज्यादा है कि जाने जा रही है, लेकिन उसी वक्त में एट द सेम टाइम लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। जी बिल्कुल, क्या क्या नाम देंगे आप इस सिचुएशन को, क्या कहेंगे? बस ये कुछ तो अल्लाह की तरफ से है, कुछ हमारे अमाल हैं, कुछ हमारे ऐसे मसले मसाइल हैं, अल्लाह अच्छा करे। और आप जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत बेहतर कर रहे हैं मीडिया के लोग। जका सर, आपको इस वक्त पता होगा कि पाकिस्तान रेड जोन में जा रहा है, बिल्कुल फ्लडेड पूरा पाकिस्तान, चार सूबे पाकिस्तान के डूब चुके हैं, सिवाय पंजाब के पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो, तकरीबन पंजाब के भी जो है ना वो बहुत सारे एरिया हैं उसमें ऐसा ही है, कुछ सिटीज हैं जो अभी भी सेफ हैं, लेकिन अगर यही हालात रहे और ऐसे ही चलता रहा तो अनकरीब इनको भी, इन पे अटैक होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या हम इसके लिए इंडिया को या किसी दूसरे तीसरे को ब्लेम कर सकते हैं? सबसे पहले तो जी मुझे ज़ाती तौर पे एक चीज़ का दुख है कि बलूचिस्तान में डैम्स बनाए थे इन्होंने और उनका क्वालिटी इतनी घटिया थी कि उस सारे के सारे डैम्स पानी में बह गए। इसमें हमारा भी कसूर है, हमें वो डैम सही बनाने चाहिए थे। फिर हमारा ये है कि हमारा कालाबाग डैम बनना चाहिए, दासू पे काम तेज़ होना चाहिए, क्योंकि जो फ्लड का जितना पानी है अगर हम इसको यूटिलाइज़ कर लें तो शायद पाकिस्तान बहुत अच्छे हालात हो जाए। आप इवन डिग करके ज़मीन को, जैसे लाहौर में पंजाब में वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया हुआ है, अगर हम डीप वेल करके यही पानी हम उन वेल्स में ले जाएं तो हमारा वाटर लेवल ऊपर आ सकता है, या अगर डैम बना लें तो पानी की तो शदीद किल्लत होने वाली। जी सर, किल्लत छोड़े, इस वक्त जो पानी की शिद्दत है ना, हम उसी से बाहर नहीं आ पा रहे, इतनी शिद्दत से, इतना आपने वीडियोस देखी होंगी कि किस रफ्तार के साथ वो पानी आ रहा है और कैसी तबाही मचाता हुआ जा रहा है। दूसरी जानब अगर देखें तो इंडिया ने पानी छोड़ दिया दरियाओं में। देखिए इंडिया ने पानी छोड़ा, उनके जब डैम फुलफिल हो गए तो वो नेचुरली एक दुश्मन मुल्क है तो उसने तो फिर ज्यादती कर, हमारी वजह से अपने लोगों को तो डुबा नहीं सकते थे ना, उन्होंने अपने लोगों के लिए भलाई सोचा है। बिल्कुल, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने क्या किया एट द सेम टाइम? हमारे हुक्मरानों ने किया, आप यकीन करें कि क्योंकि थोड़ी सी मैंने स्टडी की है, हमारे सिंध में ऐसा हो रहा है कि जो वडेरे लोग हैं वो अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए दूसरी साइडों के बंद तोड़ रहे हैं, यानी कि पानी गरीबों को बहा के ले जा रहा है।
ये भी जाती है। एक तरफ इंसानियत का जलूस निकल रहा है और दूसरी तरफ इनके जलसे, क्या कहेंगे? ज्यादती है, ज्यादती है। इससे बड़ा जुल्म और इससे बड़ी क़यामत क्या होगी? ज्यादती है बहुत। क्या करना चाहिए हमें? हमें अपने आप को सही करना चाहिए। मैं सही बोल रहा हूँ, हम खुद सही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए पाकिस्तान की पॉलिटिशियन का सारा ये कसूर है। मीन्स कोई डैम नहीं है, कोई यहाँ पर तरक्यात काम नहीं हुए जिसके बायस लोगों को अच्छे तरीके से अच्छी रोड, अच्छे मतलब इलेक्ट्रिसिटी पूरी नहीं हो रही। बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं जिस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। बाकी रही इंडिया की बात, तो इंडिया पानी तो ऑलवेज हर दफ़ा ही छोड़ता है, और हमें सीखना चाहिए इन चीज़ों से। और जो हम सीख नहीं रहे तो ये ऐसे ही चलता रहा, तो फिर ये आने वाले वक्त में भी सेम ऐसे चलता रहे। बुरे वक्त में उन्होंने आके पानी छोड़ा, जब ऑलरेडी हमारी इतनी जानों का नुकसान, इतनी हमारी इकोनॉमी, हर चीज़ बर्बाद हो रही है, ऐसे टाइम पे आके क्या इंसानियत का भी ख्याल नहीं करना चाहिए था यहाँ पे? जी बिल्कुल, इंसानियत का ख्याल तो करना चाहिए, लेकिन इस बारे में देखें कि सारा कसूर ही हमारा अपना है। जैसे कि हमारा घर ही अच्छा नहीं, मीन्स हमारे पॉलिटिशियन जो हालात यहाँ चल रहे हैं, तो फिर हम उनको क्या बोलें? जब फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहते हैं कि अपना आप देखें आप, जब हमारा अपना आप ही बुरा है तो फिर हम किसी को क्या इस बारे में बोलें? हमने कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल आपने जैसे कहा है कि ये आपस में लगे हुए हैं कि हमारी हमें सीट मिल जाए, ये सीट के लिए सिर्फ आपस में लड़ने लगे हैं। और आवाम को भी आपने देखा होगा, नून लीग की अपनी आवाम है और पीटीआई की, दोनों को आपस में लड़ाया ही जा रहा है सिर्फ। और मतलब कि मेरे ख्याल में कि हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा, आवाम को खुद ही सोचना पड़ेगा। 90% इस वक्त पाकिस्तानी इमरान खान साहब के साथ हैं, लेकिन मेरा पर्सनल ये सवाल है कि इमरान खान साहब भी कहाँ हैं? क्या ऐसा तो नहीं है ना कि उनके पास कुछ नहीं है, उनके हाथ में कुछ नहीं है? एक स्टेबल हुक्मरान है, वो भी अवाम पूरी उनके साथ है, वही लोग जिन्होंने उनको वोट दिए, वही लोग जो उनके सपोर्टर थे, उनके जलसों में मौजूद थे, आज वो लोग पानी में बह रहे हैं, किधर है वो इमरान खान साहब? जी बिल्कुल देखा नहीं जा रहा, ना इमरान खान साहब को देखा जा रहा है, ना शहबाज शरीफ साहब को देखा जा रहा है, कुछ भी नहीं देखा जा रहा। इनको चाहिए कि अवाम के लिए भी कुछ सोचें, सिर्फ जलसे वगैरह करने से कुछ नहीं होता। सड़कों पे आएँ, अवाम के पास जाएँ, उनके मसले देखें, वहाँ पे क्या हो रहा है, पूरे ख़ानदान डूब चुके हैं उसमें। इंडिया को बाद में, पहले हमारी अपने 70-75 साल जितने अरसा हो गया पाकिस्तान को बने हुए, हमारी अपनी किसी भी हर सारी गवर्नमेंट्स को इसकी रिस्पॉन्सिबल है, ना कोई उन्होंने डैम बनाया, ना कोई इसकी मतलब कोई भी इसकी लाहे अमल तो तैयार करना चाहिए। किसी भी कुदरती आफत से लड़ने के लिए हमारे पास कोई ना कोई प्लान तो होना चाहिए ना, कोई तैयारी नहीं है किसी चीज़ से के हवाले से हमारा कोई, बस हमारी हुकूमतें अपने लगी हुई हैं कि जी अपने अपनी पीआर बना रही हैं, अपने अपने वोटर्स को या अपनी पावर शो कर रही हैं हर पार्टी। इतना बड़ा रोल प्ले किया है इस सब की बर्बादी में हमारे हुक्मरानों ने, मैं तो कहता हूँ मेन जिम्मेदारी है। बाद में इंडिया आता जी उन्होंने पानी छोड़ा, ये सब बाद की बातें हैं। पहले नंबर पर हमारे अपने हुक्मरान हैं, जितने भी सियासी जमाते हैं ये जिम्मेदार है। इनको ये नहीं है कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं, बस ये है कि अपने धरने कर लो, जलसे कर लो, एक दूसरे को बुरा भला बोल लो, चाहे लोगों का जुलूस निकल जाए। लोगों की जुलूस निकल गया, और किस तरह निकलना भी आपको लगता है कि निकलने वाला बाकी एक जुलूस निकल गया? ऐसा ही है, पाकिस्तान की तबाही आधे से ज्यादा तो हो चुकी है, एक पंजाब बचा है जिसमें हमारे पास पॉपुलेशन थोड़ी अच्छी अमाउंट में है, और अन करीब अल्लाह ना करे ऐसे ही सिनेरियो चलते रहे तो वो भी दूर नहीं है वक्त। अभी थोड़ी सी बारिश हुई है, ये लिबर्टी का हालात, गुलबर्ग मेन एरिया लाहौर का ही आपके सामने है। ये हालात है, बाकी पूरे लाहौर में ये सीन है, हर जगह जिधर चले जाएं, जो अभी तो ये मेन एरिया का ही हाल है, जो बैकवर्ड एरिया है उनका कैसे हो सकती है चीजें बेहतर? सबसे पहले तो हमें लॉयल होना पड़ेगा अपनी कंट्री के साथ, हमारे सियासतदान, सबसे पहले सियासतदान भी बाद में आते हैं, हम सियासतदानों को चुनता कौन है? हम लोग पहले हम ठीक होंगे, हमारा जहाँ पे हमें मौका मिल रहा है डंडी मार रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, और जिसी को दो रुपये का मौका मिल रहा है वो 2 का काटा, जिसको 2 करोड़ का मिल रहा है वो 2 करोड़ की करप्शन काटा, जिसको 2 अरब का मिल रहा है वो 2 अरब की काटा, इस तरह खुद को ठीक करें, उसके बाद हमारी सोसाइटी के बाद फिर सियासतदानों पर हम बात करें। फिर हम इस सबके लिए किसी दूसरे तीसरे को ब्लेम नहीं कर सकते, हमारा खुद जिम्मेदार है, खुद जिम्मेदार है। व्यूवर्स आप लोग ने जानी इनकी राय कि हम लोग ब्लेम गेम खेल के बहुत गलत करते हैं, इसमें कसूर हमारा अपना ही होता है। हम लोग खुद से अपने घर से अगर देखना शुरू करें तो पॉलिटिशियंस और इंडिया और फिर हमारे का बहुत दूर की बातें आ जाती हैं, असल में हम खुद ही ख़राब हैं। आज यहाँ पे अगर पाकिस्तान में जानी माली नुकसान हो रहा है, लोग इतना ज़्यादा बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं वो अजाब है जो हमारे अपने अमालों की वजह से हम पे आया हुआ है। और दूसरी साइड पर अगर थोड़ा प्रोफेशनल होकर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि ये वो बुराइयां हैं, वो चीज़ें हैं जो हमारे पॉलिटिशियंस को अपने मुल्क के लिए सोचनी चाहिए थी और उन्होंने नहीं सोची। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना चाहिए था जो कि नहीं किया। ये थी मेरी राय, आज की वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। फर्दर वीडियोस के लिए कमेंट सेक्शन में सजेशन देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।